नामांकन जमा होने के दूसरे दिन तक कुल 4 उम्मीदवारों ने नामांकन जमा किए हैं, जबकि 5 सीटों से 37 लोग अभी तक नामांकन फार्म ले जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2018 के लिए नामांकन जमा करने का आज दूसरा दिन था। 2 नवंबर से 9 नवंबर तक नामांकन फार्म जमा होंगे। अपर कलेक्टर HP वर्मा ने बताया कि आज दूसरे दिन कुरवाई से रामलाल ने बहुजन समाज पार्टी से नामांकन जमा किया है। सिरोंज विधानसभा से सरदार सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन फार्म जमा किया है, जबकि समसवा क्षेत्र से रघुवीर सिंह रघुवंशी ने कांग्रेस पार्टी से नामांकन जमा किया है। पहले दिन 1 और दूसरे दिन 3 नामांकन जमा किए गए हैं। ADM ने बताया कि आज दूसरे दिन तक विदिशा से 8 लोग नामांकन ले गए हैं, बासुदा से 5, कुरवाई से 5, सिरोंज से 12 लोगों ने नामांकन फार्म लिए हैं, जबकि समसवा से 7 लोगों ने नामांकन फार्म लिए हैं। अभी तक कुल 37 लोग नामांकन लिए जा चुके हैं। नामांकन जमा करने आने वाले उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। व्यय लेखा के लिए भी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। फार्म जमा करने से एक दिन पूर्व बैंक में नया खाता खोलना पड़ेगा और उसी खाते का नंबर नामांकन फार्म के साथ रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा। उसी खाते से चुनाव में खर्च किया जा सकता है। आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो फार्म वापस लेने और मतदान के 2 दिन पहले तक 3 बार समाचार पत्र में प्रकाशित कराना होगा। साथ ही TV चैनल पर भी 3 दिन चलाना अनिवार्य होगा, ताकि आम मतदाताओं तक उम्मीदवार की कैसी छवि है यह पहुंच सके। नॉमिनेशन फार्म जमा करने का आज दूसरा दिन था और आज 3 नॉमिनेशन फार्म प्राप्त हुए हैं। कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में श्री रामलाल अहिरवार BSP से उन्होंने अपना नामांकन फार्म दाखिल किया है। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से श्री सरदार सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन फार्म भरा है और समसाबाद विधानसभा क्षेत्र से श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी इंडियन नेशनल कांग्रेस से उन्होंने अपना फार्म भरा है। कुल मिलाकर के आज 3 नॉमिनेशन फार्म प्राप्त हुए हैं। कल 1 नॉमिनेशन फार्म प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर के आज तक 4 नॉमिनेशन फार्म प्राप्त हुए हैं। अभी जो जानकारी हमने सभी यारों से प्राप्त की है, उसके आधार पर विदिशा से 8 लोग फॉर्म ले गए हैं, बासुदा से 5 ले गए हैं, कुरवाई से 5 अभ्यर्थी फॉर्म ले गए हैं जो नॉमिनेशन फार्म भरना चाहते हैं। सिरोंज से 12 लोगों ने MPTC रजिस्ट्रेशन कटवाई है और फार्म लिए हैं और समसावाद से 7 लोगों ने MPTC रजिस्ट्रेशन कटवाने के पश्चात 7 लोगों ने फार्म लिए हैं। कुल मिलाकर के 37 लोग फार्म ले गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कोई व्यक्ति फार्म जमा करता है तो उनको जानकारी दी जाती है, विशेषकर जो निर्वाचन व्यय लेखा कैसे दर्ज किया जाना है उसके लिए एक प्रावधान आयोग ने किया है। इलेक्शन एजेंट तो वो नियुक्त कर ही सकते हैं, लेकिन व्यय लेखा के लिए अतिरिक्त इलेक्शन एजेंट वो लोग नियुक्त कर सकते हैं, तो उनको जानकारी दी जा रही है। और चूंकि इसमें ये नियम भी है कि नॉमिनेशन फार्म जमा करने के एक दिन पूर्व खाता खोलना भी अनिवार्य है, क्योंकि जो भी व्यय होगा वो उसी खाते से होगा, तो भी उनको समझा दी जा रही है कि जो खाता है आपका वो सेपरेट होना चाहिए। पहले से यदि खाता आपका खुला हुआ है तो वो नहीं चलेगा, आपको नया खाता ही खोलना पड़ेगा। ये जो भी आप राशि या जो भी पार्टी से आपको प्राप्त होती है या आप जमा करते हैं उसी खाते में जमा करें और उसका पूरा हिसाब उनको रखना है। इसके अलावा इस बार जो पहला प्रावधान जो किया गया है आयोग ने, यदि आपराधिक प्रवृत्ति के कोई खड़े होते हैं जो इनको दोषी घोषित किया गया है या जो प्रकरण चल रहे हैं, उनको C1 C2 फार्म दिए गए हैं। C3 में वो लोग जानकारी देते हैं, आरोप C3 के माध्यम से उनको अवगत कराते हैं कि भाई C1 C2 फार्म आपको दिए जा रहे हैं। और उसमें निर्देश ये हैं आयोग के कि नॉमिनेशन फार्म की जब वापसी होगी, मतलब अभ्यर्थी जब अपना फार्म वापस लेंगे उसके जस्ट पश्चात और मतदान के 2 दिन पहले तक 3 बार उनको ऐसा पेपर जो कि उस विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा चलता हो, जिसको लोग ज़्यादा पढ़ते हों, उस प्रकाशित कराएं। उसके अलावा आपको जो है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स
माध्यम से भी उसको टीवी के माध्यम से लोग देख सकें, उसके लिए भी एक 48 घंटे पहले उसको 3 दिन को भी निकालना है, ये जानकारी भी उसको देना है और उसको जानकारी पार्टी को भी देना आवश्यक है। पार्टी को बताएगा कि भाई हमारे ऊपर ये